संजीवनी नगर थाना क्षेत्र में लगातार हो रही चोरी की घटनाएं। चोरों के हौसले इतने बुलंद हो रहे हैं कि अब संजीवनी नगर स्थित अंग्रेजी शराब दुकान पर रात में शटर तोड़कर चोर घुसा और 40,000 रुपए काउंटर से निकाल कर ले गया। जाते जाते चोर को जब यह याद आया कि वह शराब की दुकान पर है तो शराब की दो बोतलें भी साथ में लेकर चला गया। व्यापारी संघ अध्यक्ष के द्वारा बताया गया कि सीसीटीवी में देखकर यह पता लग रहा है कि यही वह चोर है जिसने इसके पहले भी दो चोरियां की हैं। आसपास के व्यापारियों का यह आरोप है कि पुलिस की लगातार गश्त न होने के कारण यहां चोरी की वारदातें पड़ रही हैं। हमारे संवाददाता द्वारा संजीवनी नगर थाना प्रभारी से इस घटना की जानकारी चाही गई तो जहां उन्होंने व्यस्त होना बताया, वहीं थाने में मौजूद SI इस घटना पर जानकारी देने से आनाकानी करते हुए दिखे। जी सर, ये शराब दुकान में एक चोरी की तस्वीरें सामने आई हैं CCTV, किस तरह से इसमें जांच की जा रही है, तथ्य क्या है? इसमें थाना प्रभारी नगर को भी उनकी टीम जो है उसको निर्देशित किया है कि इस घटना को अपनी टीम लगा करके इसका अच्छे से पतारसी करेंगे और फुटेज में जो संदिग्ध हैं उनकी पतारसी करेंगे और मुझे आशा है कि संदिग्ध को अगर जैसे आइडेंटिफाई होगा तो इस मामले का खुलासा होगा। आज सुबह हम दुकान खोलने आए तो हमें पता लगा कि आज संजीवनी नगर अंग्रेजी शराब दुकान पर चोरी हुई है और यह चोरी लगातार तीसरी घटना हुई है संजीवनी नगर थाना अंतर्गत। और लगातार इस चोरी की घटनाओं से सारे व्यापारियों में बहुत ही भय का माहौल बना हुआ है। मेरी आज वीडियो से और आपके चैनल के माध्यम से संजीवनी नगर थाना प्रभारी और पुलिस प्रशासन से निवेदन है कि कृपया कर इस क्षेत्र के अंतर्गत अपनी व्यवस्थाएं टाइट करें और यहां पर गश्त और बढ़ाई जाए, क्योंकि लगातार तीसरी चोरी की गई है और जो CCTV रिकॉर्डिंग है उसको देखकर यह समझा जा सकता है कि एक ही चोर के द्वारा यह तीसरी चोरी की गई है।